Hey guys, what's up? I'm Kan and it's and welcome back to my channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? I hope कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे. तो guys, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे वीडियो जो हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है. सो गाइज, इसमें मैं जितने बैकग्राउंड पीएनजी जिसके यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आप गाइज सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना. एंड गाइज वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना. नहीं तो यार अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर देता है फोटो मतलब अच्छी एडिट नहीं हो पाएगी. तो गाइज वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना. एंड गाइज अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड गाइज हमारी वीडियो बहुत मस्त होने वाली है यार, एक लाइक जरूर कर देना. आप सभी के लिए यार बहुत मेहनत करता था यार, एक लाइक कर देना यार. एंड गाइज अगर हो सके तो यार अपने सभी फ्रेंड्स को यार, अपने दोस्त यार जो भी हैं सबको यार वीडियो शेयर करे करो यार, ताकि यार थोड़ा प्यार बने. तो यार शेयर कर दे करो यार, तुम्हारे भाई के लिए एक शेयर तो बनता है यार, कर दे करो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूँ. तो गाइज चलो चलते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. एंड गाइज अभी तक जिससे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ मुझे फॉलो करो. एंड मैं जो छोटी मोटी अपडेट होती है मैं वहीं पे देता रहता हूँ. तो गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइज सबसे पहले आप सभी को करना है गाइज बैकग्राउंड पे डाउनलोड करना है. गाइज वीडियो को देखने के बाद जाकर आप सिंपली डाउनलोड कर लेना, ठीक है. एंड उसके बाद जाना है गाइज स्टीकर वाले ऑप्शन में, ठीक है, स्टीकर में. ठीक है, पहले मैं नेट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है. एंड ऐड को ऑन करने के बाद गाइज अपन आपको स्टीकर वाले ऑप्शन में, ठीक है, सो सर्च बार में जाना है, ठीक है. एंड यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है कैंडल, ठीक है, कैंडल सर्च करना है. एंड गाइज उसके बाद आप सभी को करना क्या है, कैंडल सर्च करने के बाद गाइज आपको एक कैंडल लेनी है, ठीक है. पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कौन सी कैंडल है वो लेनी है जो आपको. गाइज आपको ये वाली कैंडल लेनी, ठीक है. इसको लेने के बाद गाइज आप सभी को करना क्या, इसके साइज को मतलब बड़ा कर देना है गाइज, काफ़ी बड़ा करना है गाइज, आपको ज़्यादा नहीं मतलब नॉर्मली आपको इतना बड़ा करना है, ठीक है. एंड उसके रिजल्ट टूल में जाना है. एंड गाइज आपको ऊपर से जी सबको इरेज कर लेना है, ठीक है, सिंपली इरेज कर लेना है, ठीक है. सो जैसे मैं कर रहा हूँ इरेज गाइज आप सभी को भी इरेज कर लेना है सिंपली इस तरीके से, ठीक है. सो मैंने इरेज कर लिया. एंड गाइज उसके बाद आप सभी को करना है क्या, इस फोटो को पहले डन कर लेना है यहाँ से, ठीक है. ये हमारा इरेज थोड़ा ही रह गया, तो गाइज पहले हम इसको भी इरेज कर लेते हैं सही से, ठीक है. सो इसको इरेज करने के बाद आपको डन कर लेना है, ठीक है. एंड उसके बाद गाइज आप सभी को करना है क्या, ऐड फोटो में जाना है, ठीक है. ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को एक लाइट का पीएनजी लेना है, ठीक है, ये लेना है. एंड गाइज उसके बाद आप सभी को जाना है एडजस्ट में एंड ह्यू में जाना है, ठीक है. एंड इसका येलो कलर आपको देखना है कहाँ येलो कलर, ठीक है. जैसे कि येलो कलर मेरे को यहाँ मिल गया, ठीक है. एंड मैं पहले सिंपली यहाँ से पहले डन करता हूँ, ठीक है, डन कर लेते हैं. फिर इसके बाद चलते गाइज ब्लेंड में, ठीक है. ब्लेंड में जाने के बाद गाइज हमें इसका स्क्रीन रखना है. एंड गाइज के साइज़ को आपको फुल बड़ा करके इस तरीके से आपको इस तरीके से स्क्रीन पे ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे कर लेना है. एंड गाइज उसके बाद आपको थोड़ी सी ओपेसिटी कम करनी है, ठीक है. थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, 780 तक कर लेते हैं, ठीक है. एंड कर लेना सिंपली डन आप सभी को, ठीक है. सो इसको डन कर लेना है. एंड गाइज उसके बाद जो है आपको आपका क्या काम रह गया. सो गाइज आप सभी को अब जाना है ऐड फोटो में, ठीक है. एंड अपने मॉडल को लेके आना, ठीक है. एंड गाइज मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा, जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ जाकर इरेज कर लेना सिंपली वीडियो को देखने के बाद, ठीक है गाइज. सो इसको अब क्या करना है गाइज, हम जाएंगे इरेजर टूल में, ठीक है. एंड उसके बाद हम इरेजर में जाएंगे, हार्डनेस को फुल करेंगे, ठीक है. एंड नीचे से हम सिंपली इरेज करेंगे इस तरीके से, ठीक है. एंड उसके बाद गाइज इरेजर को फिर दोबारा हम एडजस्ट करेंगे, हार्डनेस को कम करेंगे, ठीक है. एंड सिंपली इस तरीके से हम इरेज करेंगे एंड करेंगे डन, ठीक है गाइज. सो यहाँ तक हो गया. एंड गाइज जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में, ठीक है. एंड उसके बाद गाइज हम लाएंगे ये जो मोमबत्ती के ऊपर क्या बोलते हैं गाइज पता नहीं मेरे को. सो गाइज इसके बाद जाना है आपको सभी को ब्लेंड में, ठीक है. एंड इसको करना है स्क्रीन, ठीक है. एंड इसको आपको साइज़ को मतलब इतना ही रखना है. एंड गाइज इसको आपको ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है गाइज, इस तरीके से रख लेना है, ठीक है. एंड जाएंगे हम थोड़ा इरेजर टूल में. एंड गाइज हमारा जो हैंड है थोड़ा अंदर घुस चुका है, तो इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, हार्डनेस कम करके हम इरेज करेंगे थोड़ा इस तरीके से, ठीक है गाइज. सो मैं इसको पहले ढंग से कर लेते हैं गाइज, ठीक है. थोड़ा ज़्यादा भी नहीं यार कि अलग नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा एडजस्ट कर लेना आपको अपने हिसाब से, ठीक है. सो यहाँ तक हो गया. एंड कर लेते हैं ऐसे हम सिंपली डन, ठीक है. एंड उसके बाद जो है गाइज हमारा काम रह गया है गाइज, ऐड फोटो में चलते हैं दोबारा, ठीक है. एंड उसके बाद ये एक पीएनजी लेंगे ये वाला पेड़ का, ठीक है. एंड इसका हम करेंगे ब्लेंडिंग मोड रखेंगे इसका मल्टीप्लाई, ठीक है. मल्टीप्लाई रखने के बाद गाइज हम इसके साइज़ को इस तरीके से ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे इस तरीके से, ठीक है. एंड उसके बाद क्या करना है गाइज, आप सभी को सिंपली कर लेना है डन, ठीक है. एंड दोबारा जाएंगे हम ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आप सभी को लेना है वो मतलब बर्ड्स के पीएनजी लेना है, ठीक है गाइज, बर्ड्स के पीएनजी लेना है सिंपली, ठीक है. ये ले लिया हमने. एंड गाइज सिंपली आप सभी को इसको इस साइड में यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है गाइज, इस तरीके से हम यहाँ लगा लेते हैं. एंड सिंपली करते हैं डन यहाँ से, ठीक है गाइज. सो अब चलते गाइज हम इस फोटो को कर लेते हैं सेव. एंड जो कलर करेक्शन होगी हमारे लाइट रूम ऐप के अंदर, तो हम पहले इस फोटो को सेव करें, चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर.
ठीक है। सो गाइज अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार क्या कर रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि यार आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था यार। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तुम्हारा भाई इतनी मेहनत कर ला तुम्हारे लिए, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना गाइज, सबसे को फोटो का ऐड कर लेना है और फोटोज़ में जाकर फोटो को निकाल लेना है ठीक है। एंड उसके बाद जाना आपको लाइट वाले ऑप्शन में ठीक है। एंड इसके हाईलाइट्स को आपको माइनस रखना है, शेडो को बढ़ा लेना है, वाइट को कम करना है, ब्लैक को भी कम करना है ठीक है। एंड चलते नीचे वाले टूल में ठीक है, कलर्स वाले टूल में चलते हैं, वाइब्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एंड टेम्परेचर को कम कर लेते हैं, मिक्स में चलते हैं, रेड कलर के ह्यू को बढ़ाते हैं, ऑरेंज कलर के सेचुरेशन को कम करते हैं, ल्यूमिनस को बढ़ा लेते हैं ठीक है। एंड चल चलते हैं येलो वाले में। एंड गाइस को ऑरेंज टोन देने के लिए हमें गाइस ह्यू को माइनस में ले जाना होगा ठीक है। एंड ग्रीन कलर लेते हैं, इसको भी हम ह्यू को माइनस करते हैं एंड सेचुरेशन को बढ़ाते हैं। एंड गाइस चलते हैं नीचे वाले ऑप्शन में, क्लियरिटी को बढ़ाएंगे, डस्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, विग्नेट डालनी जरूरी है तो गाइस विग्नेट डालेंगे, मिड पॉइंट डालेंगे, फैदर को बढ़ा देंगे, राउंडनेस को भी बढ़ा देंगे, तो गाइस ग्रेन पॉइंट को भी बढ़ा देंगे। एंड गाइस शार्प करेंगे फोटो को, एंड कलर नो डायरेक्शन एंड नो डायरेक्शन सबको बढ़ा देंगे ठीक है। सो उसके बाद चलते हैं हम सिलेक्टिव टूल में ठीक है। एंड चलते हैं ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन लेते हैं, एंड गाइस नीचे से प्रेस करके लाते हैं ऊपर की तरफ ठीक है। एंड चलते हैं क्लियरिटी में, थोड़ी सी फोटो क्लियरिटी बढ़ाएंगे एंड जाएंगे लाइट में, एंड इसके नीचे शेडो डालेंगे ठीक है। सो मैंने शेडो डाल दिए। एंड गाइस दोबारा हम सिलेक्ट टूल लेंगे, ये सर्कल वाला ऑप्शन लेंगे ठीक है। एंड इसके बाद हम अपने फेस की तरफ इस तरीके से ऐसे करेंगे ठीक है। एंड इसके ऊपर हम प्रेस करके रखेंगे ठीक है। एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन इन्वर्ट वाला ऑप्शन लेंगे, एंड गाइस जाएंगे क्लियरिटी को बढ़ाएंगे ठीक है, ज़्यादा नहीं 36 तक, एंड कर लेंगे डन। सो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।